हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आप लोग थंबनेल देख के पहचान नहीं पाए होंगे आज मैंने क्या बनाया है. उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा. बस तो अभी यहाँ पे मैंने लौकी ले लिया और इसको हम अच्छे से छील लेंगे. पूरा इसका छिलका जो है वो उतार लेते हैं हम पहले. और ऊपर से मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऊपर से कट कर ली थी. तो देखिए पूरी मैंने लौकी जो है वो छील ली है. अब इसको हमको बीच से कट करना है, तो इसको अभी मैं बीच से कट कर रही हूँ. ये लीजिए, ये बीच से कट हो गया है. अब इसको हम वॉश करेंगे अच्छे से. तो ये लीजिए, मैंने इसको खूब अच्छे से वॉश कर लिया है. अब हमको इसको ग्रेट करना है. तो पहले मैं इस आधे पार्ट को ग्रेट कर लेती हूँ. ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ऊपर का पोर्शन ग्रेट करना है, बीज मत ग्रेट करिएगा. तो ये देखिए मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लौकी मैंने ग्रेट की है वो बहुत ही ज्यादा महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट की है. आपके पास जितना महीन वाला ग्रेटर हो उससे ग्रेट करिएगा, तभी जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा. अभी हमको ना इसका पानी निकालना है, तो पानी निकालने के लिए आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए और इसको निचोड़ लीजिए अच्छे से. इसका हमको पानी निकाल देना. पहले तो आप इसकी ऐसे बॉल बना लीजिए तो थोड़ी आसानी होगी. और अब प्रेस करिए दूसरे हाथ से और पानी निकाल दीजिए. देखिए निकल रहा है ना पानी, बचना नहीं चाहिए पानी, बिल्कुल ऐसे निकालिएगा. वापस ये देखिए इसका पानी निकल गया. और इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे राउंड करते हैं और दूसरे कटोरे में रख लेते हैं. ऐसे सब पानी निकालेंगे हम. तो अभी देखिए हमने लौकी को अच्छे से निचोड़ लिया है एकदम. इसको मैंने दो बार निचोड़ लिया था तो इसमें पानी बिल्कुल बचा नहीं है. अब इसमें हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे. जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड करा हुआ एक अनियन मीडियम साइज का, मैंने बिल्कुल चॉप्ड कर लिया था अच्छे से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे. और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने छोटा सा टुकड़ा ग्रेट कर लिया था जिंजर का, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं वो. ये मैंने ली हैं दो हरी मिर्च जिसको मैंने कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, बहुत छोटे छोटे. और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जिसको मैंने चॉप्ड कट किया है. और अब इसमें हम डालेंगे अपने स्पाइसेस, जैसे कि ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप मत लीजिएगा. और इसके बाद ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर. और अब डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर. और इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला. 4 टेबलस्पून पहले हम इसमें बेसन ऐड कर देते हैं. अभी 4 ही ऐड करूंगी, पहले हम इसको ऐड करने के बाद बाइंडिंग देखेंगे फिर और ऐड करेंगे. इसको भी मिक्स करना है, चम्मच से ही अभी मिक्स कर रही हूँ. अभी हैंड का भी यूज़ है लेकिन पहले मैंने सोचा चम्मच से यूज़ कर लेते हैं. तो अभी अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, फिर हम हाथ से इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे. तो अभी मैंने इसको मिक्स तो कर लिया लेकिन थोड़ा सा हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं, तो थोड़ी परफेक्टनेस आ जाती है. तो अच्छे से पहले हाथ से मिक्स करते हैं इसे. तो देखिए अभी मैंने इसको मिला तो लिया है लेकिन चेक करते हैं पहले. ये देखिए मैं जब इसको ऐसे बॉल बनाऊंगी ना इसकी, तो बिल्कुल फिनिशिंग वाली बॉल जो है ना वो नहीं बन रही है बिल्कुल स्मूथ. उसके लिए थोड़ा सा बेसन हम इसमें और ऐड कर देंगे. और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1 टेबलस्पून फिलहाल मैं आप बेसन ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो इसको अच्छे जब आप नीड करें, जब आप इसको गूंथें तो बहुत प्रेशर लगा के मत गूंथिए, क्योंकि गोभी में पानी होता है और फिर जब आप इसमें प्रेशर लगाएंगे तो इसमें और पानी आएगा. तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे. तो टोटल 5 टेबलस्पून इसमें बेसन लग चुका है और ये अच्छी बाइंडिंग भी देने लगा है. अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि नमक बिल्कुल एंड में ऐड करें जब आप इसे मिलाने मतलब बनाने जाएं. और नमक को हम पहले मिक्स कर लेते हैं. नमक एंड में क्यों ऐड करें, इसलिए ऐड करें क्योंकि नमक पानी छोड़ता है और अगर आप पहले ऐड कर देंगे ना तो ये सहलाने लगेगा.
तो अभी मैंने ना यहाँ पे अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है क्योंकि अब हमको इस बैटर की बॉल बनानी है। तो जितनी बड़ी आपको बॉल बनानी है उतना आप बैटर ले लीजिए, मैं मीडियम साइज की बनाऊंगी। ले लेते हैं और फिर इसको पहले ऐसे थोड़ा सा रोल करेंगे और तुरंत, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना फिर पानी छोड़ने लगेगा, मैंने पहले ही बताया। और ये लीजिए बॉल बन के रेडी है, ऐसे ही सब बनाएंगे, लेकिन ग्रीस कर लीजिएगा वरना हाथ में चिपकेगा। सो गाइज अभी हमको अपनी बॉल्स को फ्राई करना है, इसीलिए मैं आ चुकी हूँ गैस की तरफ और कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और अभी मैं इसको गरम कर रही हूँ हाई फ्लेम पे, फिर हमको जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है। तो पहले इसको हीट कर लेते हैं अच्छे से। जो हमारा ऑयल है वो अच्छा हीटअप हो चुका है, अब गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इसमें एक एक करके आप बॉल्स डालिए, थोड़ा सा दूर दूर डालिएगा। तो अभी मैंने इसमें डाल लिए हैं अपनी सारी बॉल्स, अब आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिए। अभी तो इसको डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो आपका जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें चिपक जाएंगे इसको पलटने के लिए, तो अभी इसको आप मत पलटिएगा। अभी पहले इसको नीचे से थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। तो देखिए नीचे से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम पलटेंगे, तो आप लोगों को वो दिख रहा होगा मैंने थोड़ा सा पलटा था। ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया कलर आया है हमारा, थोड़ा रेडिश वाला जो ब्राउन होता है ना वो आया है। और इसको अभी सभी को अच्छे से पलटेंगे हम। तो सभी को मैंने पलट लिया है, अब हमको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो ब्राउन कलर होता है ना डार्क वाला वैसा होने तक फ्राई करना है, जो रेडिश ब्राउन होता है। तो आप इसको उलटते पलटते फ्राई करिए। तो देखिए बढ़िया सा रेडिश ब्राउन कलर हमारे बॉल्स का आ चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्लेम ऑफ करती हूँ पहले मैं और इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी बॉल, बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आया है इसका। तो अभी हमारी जो बॉल्स हैं वो फ्राई होके रेडी हो गई हैं, अब हमको इसकी ग्रेवी बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो, और इसको मैंने अच्छा हीटअप कर लिया है। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन अच्छे से चॉप्ड कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे हम इसमें। और अब इसमें जाएगा, मैंने ये 5-6 कलियाँ लहसुन की चॉप कट करी हैं। तो जितने भी आप ये वेजिटेबल्स ऐड करें ना उनको अच्छे से चॉप कट करिएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो था वो ग्रेट कर लिया है। तो अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम पहले अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए, अब बिल्कुल जला नहीं देना है प्याज को, हल्का सा सॉफ्ट होने तक आप इसको ऐसे भूनिए। तो ये देखिए जो प्याज है वो हल्का सा पिंक कलर में आ गया है। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे ये 3 मीडियम साइज के टमाटर की प्योरे बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, वैसे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि जो हमने बॉल्स बनाई हैं उसमें भी नमक ऐड किया है। अब हमको इसको चलाना है अच्छे से हाई फ्लेम पे, आप इसको अच्छे से पकाइए और तब तक ऐसे ही चलाइए पकाइए जब तक जो तेल है वो छोड़ने ना लगे। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून इसलिए क्योंकि हमने बॉल्स में भी रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है। और ये है कलर टेस्ट सबके लिए हमारे पास 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, तो थोड़ी ही ऐड करेंगे वरना बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर ले आई है कश्मीरी मिर्च इसमें। तो अब इसको हमको ग्रेवी को पकाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी जो हाफ होती है उस पर पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और इसको भी आप ऐसे ही चलाइए और पकाइए हाई फ्लेम पे। और अब आप इसकी इसके ऊपर लगा दीजिए लिड और पकने दीजिए इसे हाई फ्लेम। तो अभी मुझे 2-3 मिनट हुए हैं अपनी ग्रेवी को पकाते हुए, तो चेक कर लेते हैं लिड हटा के।
ये देखिए कितना बढ़िया इसमें से स्मूथ निकला है, और आपको जो ऊपर रेड रेड इतना ज्यादा दिख रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया साइन होता है किसी भी ग्रेवी को चेक करने का कि वो पकी है या नहीं। बस आप देख लीजिए ये तेल छोड़ने लगे, मतलब वो अच्छी पक चुकी है। और पानी डाला था तो जली भी नहीं है, और मैंने इसको गाढ़ा ही रखा है। अब हम इसमें अपनी बॉल्स डाल देंगे एक एक करके, और अब इसमें मैं डाल ली हूँ ये 1 टीस्पून गरम मसाला। हाँ, इसको एक बार हम थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए मिक्स होते हमें एकदम मुँह पानी आ जा रहा है। ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हमारी बनी हुई है, अच्छे से पक भी गई है ग्रेवी। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ी कटोरी पानी। ये मैंने 1 बड़ी कटोरी पानी लिया है, ये ऐड कर देंगे। पानी इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो जले ना, पानी उसको पका देता है। तो अब इसको हम ढक के 2-3 मिनट फिर से पकाएंगे हाई फ्लेम पे। सो 2-3 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं हम इसे। ओ माई गॉड गाइस, जैसे ही खोला है ना इतनी अच्छी खुशबू आई है, और देखिए कितना बढ़िया इसमें से स्मोक निकल रहा है, अच्छे से पका है ये। एक बार मिक्स कर लेंगे, देखिए मतलब देख के माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। और अब इसमें क्योंकि फ्रेशनेस तो हर सब्जी में होती है ना, इसके लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया। तो ये मैंने कोरिएंडर लीव्स ली थी, इसको चॉप कट किया है, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। मतलब मज़ा ही आ जाने वाला है इसको तो खाते। और बस अब मिक्स कर दीजिए, और फिर गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी कोफ्ता करी बनके रेडी है, मैंने इसको सर्व कर लिया है, और कलर अरोमा सब बहुत अच्छा आ रहा है इसमें से। सो आप लोग वीडियो देख के पहचान ही गए होंगे मैंने क्या बनाया है। जी हाँ, मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते। मतलब लौकी, नॉर्मल जो लौकी हम लोग लौकी की सब्जी खाते हैं, वो मुझे वो तो बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन जब मैंने ये कोफ्ते खाए थे ना, बहुत ही मज़ा आया था मुझको इसको खाने में, मतलब लाजवाब थे। तो अपने घर पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और संग में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी जल्दी आ सके। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।